हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल लिट्टी, वो भी आपके के कढ़ाई में। तो सबसे पहले सत्तू लेंगे और बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटे हुए, लहसुन डालेंगे बारीक कटे हुए। अचार है ये, मिर्चा का अचार है, आप आम का भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे अपने अनुसार, अपने अनुसार नमक डाल देना है। सरसों का तेल डालेंगे ताकि स्वाद अच्छे से आ जाए। उसके बाद से नींबू का रस डालेंगे ताकि खट्टापन आए थोड़ा थोड़ा। अपने अनुसार रखिएगा, नींबू का रस अपने अनुसार डालिएगा। उसके बाद से सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि सब मसाला नमक आपस में मिल जाए। अच्छे से ऐसे ही मिक्स कर लेना है सबको ताकि सब मसाला आपस में मिल जाए। अब ये हमारा सत्तू का फिलिंग तैयार हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के बाद एक लोई लेंगे। लोई लेने के बाद ऐसे गोल कटोरी की तरह बनाएंगे और उसमें सत्तू का फिलिंग डालेंगे ऐसे, और फिर चारों तरफ से मोड़ लेंगे ऐसे गोल गोल करके और मोड़ लेंगे। और इसे गोला ही रखेंगे क्योंकि इसे सेकुआ बना रहे हैं तो ये गोला ही रहता है। ऐसे ही करके सारे आटे को आटे के अंदर फिलिंग भर लेंगे ये ऐसे गोला करके। ये हमारा सत्तू का लिट्टी तैयार है और इसे सेक लेंगे। ये आटे का कढ़ाई है, इसमें घी डालेंगे और सारे लिट्टी को इसमें रख लेंगे। सब लिट्टी को ऐसे रखेंगे, घी कम ही डालेंगे, इससे सेकुआ टाइप का बनेगा, नहीं तो ऐसे ज़्यादा तेल यूज हो जाता है। अगर छानते तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल यूज हो जाता है, तो हम लोग को ज़्यादा तेल नहीं खाना है तो हम ये कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सबको रख के और ऊपर से इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसे हटा लेना है और चेक कर लेना है कि हुआ है कि नहीं। इसमें की है जो साइड साइड से आ रहा है, अब इसे पलट पलट लेंगे। चम्मच के मदद से आप इसे पलट लीजिएगा, चारों तरफ से पलट लीजिएगा। इसे कम आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा आंच पे नहीं पकाना है, कम आंच पे पका लेना है। अभी चारों तरफ से पलट लेंगे जिससे कोई लिट्टी कच्चा ना रह जाए। इसको चारों तरफ से पलट के देख लेंगे। इसको ऐसे ही लाल लाल पका लेना है, ऐसे पका लेना है, चारों तरफ से पलट के देख के लाल लाल पका लेना है। और हमारा लिट्टी सेकुआ लिट्टी तैयार है, तैयार हो जाएगा। ये हमारा सेकुआ लिट्टी तैयार है। आप इसे बैंगन के चोखा के साथ खा सकते हैं, वो भी घर पे आप पे की कढ़ाई में बना भी सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।